बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। आज की जो हमारी क्लास है ये थर्ड ईयर मैकेनिकल की, और जो हमारा सब्जेक्ट है वो है सीएनसी मशीन, और इस सब्जेक्ट का कोड है 37। आज इस मशीन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो है जो हमारी टर्निंग सेंटर। सीएनसी मशीन में जो थर्ड ईयर का हमारा कोर्स है, उस कोर्स में हमारे जो इम्पोर्टेंट मशीनें हैं जो दी गई हैं, जिसके बारे में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और इनके प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करेंगे, वो है टर्निंग सेंटर एंड मशीनिंग सेंटर। और ये हमारी क्लास जो है मेरे साथ आपकी प्रैक्टिकल की रहेगी, इसमें हम पहले टर्निंग सेंटर का कुछ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि टर्निंग सेंटर बेसिकली होती क्या है, उसके पार्ट्स क्या हैं, वो कौन कौन से एक्सेस पे काम करती है और उनकी टाइप्स क्या है। सबसे पहले आ जाते हैं इस टर्निंग सेंटर। टर्निंग सेंटर को डिफाइन करते हैं, एनसी मशीन टूल विच कंसिस्ट ऑफ ऑटोमेटिक टूल चेंजर फंक्शन एंड परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन लाइक फेसिंग, टर्निंग, थ्रेडिंग, ग्रूविंग, ईटीसी थ्रू प्रोग्राम ऑन ए रोटेटिंग पार्ट। के सीएनसी मशीन एक ऐसी मशीन है जो एनसी के जरिए कंट्रोल की जाती है, एनसी मशीन टूल के जरिए कंट्रोल की जाती है। उसमें ऑटोमेटेड टूल चेंजर की जो है ना वो सलाहियत होती है, और मुख्तलिफ किस्म के हम प्रोग्राम बना के उस मशीन के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन ले सकते हैं। द जॉब इज रोटेटिंग, कि इस मशीन में हमारा जो जॉब है वो रोटेट कर रहा होता है, घूम रहा होता है, एंड टूल मूव लीनियरली कटिंग, और टूल लीनियरली कटिंग करता है। फिर फॉर एग्जाम्पल के हमारा ये जॉब है, ये हमारा जॉब जो है ना राउंड शेप में रोटेट करता जाएगा, और ये हमारा टूल है, ये ब्लैक कलर का मार्कर है, ये टूल के तौर पर ले लेते हैं, ये टूल है, ये टूल आएगा मूव करता लीनियरली, यानी कि इस साइड को लीनियरली इसके पास आएगा, कटिंग करता हुआ आगे की तरफ मूव करता जाएगा, और जॉब हमारा रोटेट करता जाएगा। जॉब रोटेट कर रहा होगा और टूल जो है ना वो लीनियरली कटिंग कर रहा होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम इसकी टाइप्स में आ जाते हैं। टाइप्स है इसकी हॉरिजॉन्टल टर्निंग सेंटर और वर्टिकल टर्निंग सेंटर। हॉरिजॉन्टल टर्निंग सेंटर में क्या होता है कि जो हमारा स्पिंडल होता है जिसके ऊपर हम चक नसब करते हैं वो हॉरिजॉन्टली नसब होता है, और वर्टिकल में हमारा जो स्पिंडल है वो वर्टिकल नसब होता है, वर्टिकली तौर पर नसब होता है। और नेक्स्ट इसके बहुत कुछ पार्ट्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारा बेड। बेड मशीन का जो है ना वो मेन पार्ट है, सारे के सारे मशीन के कंपोनेंट जो है ना वो बेड के ऊपर लगाए जाते हैं, ये कास्ट आयरन का बना होता है। नेक्स्ट है हमारा मेन मोटर। मेन मोटर जो है ना ये इलेक्ट्रिक मोटर होती है जो कि स्पिंडल को जो है ना चलाने के लिए मदद फराहम करती है। ये मुख्तलिफ मोटर के और स्पिंडल के दरमियान में बेल्ट लगाई जाती है। बेल्ट से क्या होता है कि जो मोटर की मूवमेंट रोटेशन है उसको स्पिंडल की रोटेशन स्पिंडल तक मुंतकल किया जाता है, और स्पिंडल हमारा रोटेट करता है, और स्पिंडल के आगे जो है वो चक लगा होता है, चक के अंदर हम मुख्य अपना डिफरेंट जॉब पकड़ते हैं और उसके ऊपर वर्किंग करते हैं। नेक्स्ट आते हैं कैरिज। कैरिज के ऊपर जो है वो टूल पोस्ट लगा होता है, ये मोटर के साथ ऑपरेट क्योंकि ये सीएनसी या कंप्यूटर कंट्रोल मशीन है, तो सारी के सारे इसके पार्ट्स जो है ना वो कंप्यूटर इसके मोटर के साथ रोटेट हो रहे होते हैं, कोई भी मैनुअली नहीं हो रहा। अगर कोई मैनुअली भी हो रहा है तो उसका मैनुअली का फंक्शन है कि जस्ट और जस्ट आप बटन के साथ रोटेट करवाते हैं, जैसा कि आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आपने पढ़ा है कि लेथ मशीन को आप जो है मैनुअली ऑपरेट करवाते हैं, वो चीज इसमें नहीं होती। और कैरिज के ऊपर जो है टूल पोस्ट में लगे होते हैं जो उसके जो टूल को लेकर मूव करते हैं। नेक्स्ट है टर्ट एंड टूल पोस्ट। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपने टूल पोस्ट को तो जो है इजीली कंप्लीटली डिस्कस किया हुआ है कि टूल पोस्ट क्या होता है। बेसिकली टूल पोस्ट मशीन का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसके ऊपर हम टूल लगाते हैं, और एक टूल पोस्ट के अंदर कम से कम जो है ना वो जो चार टूल है वो होल्ड होते हैं। और एक टूल नेक्स्ट है टर्ट। टर्ट एक ऐसा बेसिकली ये भी एक टूल के तौर पे काम करता है, टूल होल्डिंग का काम करता है, लेकिन टर्ट में जो है ना वो चार से ज्यादा टूल लगते हैं, 8 हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं, 32 हो सकते हैं, यानी कि इस तरह मुख्तलिफ डिफरेंट टूल एक वक्त में लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है ये हमारा टेल स्टॉक। और रीड करने के बाद नेक्स्ट
मशीन को फराहम करता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन पैनल है। ऑपरेशन पैनल जो मशीन का मेन हिस्सा होता है जिसके जरिए से हम अपना प्रोग्राम इंटर करते हैं और उसे वर्किंग लेते हैं। नेक्स्ट मशीन कंट्रोलर, ये मशीन कंट्रोल यूनिट होता है जो मशीन के मुख्तलिफ जो है यूनिट को कंट्रोल कर रहा होता है। मशीन को यानी कि मशीन की मूवमेंट को, मशीन की आपने टूल को किस सीमत में मूव कर रहा है, एक्स में कर रहा है, जेड में कर रहा है, ये उसको कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट ये हमारे एक्स या कंट्रोल एक्सिस, हमारे जो टर्निंग सेंटर के कंट्रोल एक्सिस है वो दो है, मेन एक्स और जेड। एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस में जब टूल रोटेट करता है तो हमारी जॉब की जो है लेंथ कम होती है, और जब वो लीनियरली मूवमेंट होगी जी एक्सिस में, जी एक्सिस में जब टूल मूव करेगा तो हमारा जॉब का डाया कम होगा, क्योंकि टर्निंग सेंटर के ऊपर जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो सारे के सारे गोल वर्क पीस के ऊपर होते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मशीन के ऊपर जाएंगे और इन पार्ट्स को फिजिकली जो है वो देखेंगे और मशीन के ऑन ऑफ करने का तरीका भी जानेंगे।